भैया पहलो सुंदर तन करो प्रभु के भजन। सुंदर तन करो प्रभु के भजन।
चयी भजन करो माता पिता का सेवा सुमन से करो लेलकूर से युक्ति भजन करो माता पिता के सेवा सुमन से करो कहे पलट विचार मानो कहा हमारे कहे पलट विचार मानो कहा न हमार आदि कहूँ मैं जाई समझावे बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। आइए सज्जनों आज चलिए माता जी दस रुपये दान रूप में दिए हैं गुरु महाराज को से लाख लाख धन्यवाद। आज बहुत से भक्तों ने कुछ रुचि के अनुसार फरमाइश किया है कि आज की कथा राजा हरिश्चंद्र का सुनाइए। तो चलिए जब आ गया कागज में तो जहां तक जानकारी है वहां तक हम सुनाएंगे। जिसके परिवार में मेल है दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता जिसके पास यह दौलत है उससे कभी गम नहीं होता हर किसी से प्यार कर प्यार ले सबका एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। जिसके परिवार में आपस में प्रेम है उसके यहाँ स्वर्ग है। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसर स्वर्ग है घर बिच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी। जिस घर में सुंदर विचार की नारी हो, सिर्फ सुंदर नहीं विचार भी सुंदर, बोली भी सुंदर, व्यवहार भी सुंदर, चरित्र भी सुंदर, खान पान भी सुंदर, रहनी वृत्ति भी सुंदर, ध्यान पूजा साधन भी सुंदर, वह घर स्वर्ग। विचार जिस घर में सुंदर विचार की नारी, पति सत्संगी हो जाए पत्नी भी सत्संगी, पत्नी भी सत्संगी हो पति भी सत्संगी, ये ऐसा घर में होना चाहिए। अब बहुत जगह हम जाते हैं पत्नी सत्संगी पति वृंदावन बिहारी, तो देखे नहीं हम लोग परिवार सत्संगी यहाँ घूमते रहे हर घर। अब अपना परिवार है शिकायत। आज बहुत जगह पति यदि वैष्णव है पत्नी नहीं है तो पति को ध्यान पूजा में बाधा, पत्नी सत्संगी है पति नहीं है तो पत्नी को बाधा। कह नहीं ना सत्संगी वह मछलियां करते ले झंझट। एक आदमी रहे सत्संगी पत्नी सत्संगी नहीं रहे, पत्नी कह है तोरा से हमरा बिहा नहीं होती वो बड़ी करम जर ही ले तोरा से बिहा हो वत्ते भोला बाबा का जल ढारिए ढारिए भूख लो रही रही तय तोरे से बिहा हो अब भोलो हम शक्ति नहीं रह रही जेनो चाहे रे ओनो हमरा नहीं मिले तो भोला बाबा कौन शक्ति छी।
पति कहे जो हमरा से बिहार भैलो तोरा की दिक्कत। पत्नी कल के दिक्कत नहीं छे, हमें जानी जतियाँ तो सत्संगी छको वड़ा से बिहार ने करती है मरवा पर सब भागी जती है पेपर में नम नम जती है जती है। पति कहे जो हम सत्संगी छी तो हमरा कमी छे जमीन ने छे मकान ने छे कमबै ने छे देखै में सुंदर ने छे गुटका ने खाइ छे मधु ने खाइ छे राजनिवास ने खाइ छे रजनीगंधा ने खाइ छे शिखर ने खाइ छे दारू ने पिए छे मछली ने खाइ छे मांस ने खाइ छे डीजे पर नाचे ले जाइ छे सत्संगो में बैठै छे। पत्नी कल के तोरो मकान या जमीन जारी जाय आघी लग जाय हम नहीं रामड़ी या आठ दिन मांस मछली खाए देसला मुर्गा खाए लिए फार्म वाला खाए लिए बकरी खाए लिए खसिया खाए लिए कबूतर खाए लिए तोरा सत्संगी घरों में आदि 5 सालों से मछली मांस नहीं खाने चाहिए। रात का सपना बैठ छी पीठी पर रेलगाड़ी चढ़ी रहे छी की जान गेल अमर भोग बचबो भले रेलगाड़ी बंद रहे सरकार ने खोली दल के राती वो सपने लो अम्मा मछली खाए। पति कल के मांस मछली नहीं खा चलो भागलपुर हरिनंदन वाह दीक्षा ले भो वेदानंद वाह दीक्षा ले भो चतुरानंद वाह दीक्षा ले भो जोगानंद वाह दीक्षा ले भो व्यासानंद वाह दीक्षा ले भो सत्यानंद वाह दीक्षा ले भो केदार वाह दीक्षा ले भो कबीर मत मत दीक्षा ले भो रामानंदी दीक्षा ले भो शिव शिष्या बन भो। पत्नी कल के दीक्षा नहीं ले हम मछली खाई इच्छा करे हम मछली खाई पति कल के मछली तछली नहीं खा पत्नी कल के यो खाई भैया याद है तोरा बात बहुत दिन रखा है ना तोरा बात नहीं रखा पति के जेबी में हाथ दल के 300 टका निकल ले बाजार के ले लिए रात का बना खेल के ध्यान का जो बचलो रूह समेटी लल के पहना दवाई अंगना बोढ़े भेट अंगना बोढ़ी लल के दवाई अंगना अंगना कहे लगे दीदी है ये घर हम भी बिहार रही 3-4 साल से मछली नहीं खेने जो पड़ो उड़ो पुड़ो करो काल गलियों बाजार यानियों कहने दिए गरे लिवे गरे नहीं मिले गोर्रा मछली खाम जो मुच मुच कर रहे बारे को रोटी दाब ने सोची दी हृदय जुड़े लो बार और रोटी खेने या लोग तरकारी नहीं खेलो जरा दूटा रोटी खाई हम पंजरा घर भी बैठी लो काल गोर्रा मछली बार और रोटी खेने कबीर साहब कहते हैं बासी तेवासी उपासे भाला नारी कुनारी से कुमारे भाला पुत्र कुपुत्र से निपुत्रे भाला। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों पति पत्नी दोनों को दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए। सबको बोलना चाहिए। अच्छा माले मांस मतलब क्या होता है? माले मांस मतलब अधिक मांस। अधिक मांस मतलब हिरण कश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था नो हम रात मरे नो हम दिन मरे नो अस्त्र से मरेंगे नो शस्त्र से मरेंगे नो नर से मरेंगे नो नारायण से मरेंगे।
बारह महीना में किसी भी महीना में हम नहीं मरेंगे। अब बारह महीना में कोनो महीना में जब नहीं मरेगा तो भगवान से बढ़कर के चतुराई चलेगा।